उज्जैन जिले में इस समय गर्मी और लू का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। दोपहर होते ही लू और गर्मी इस कदर रहती है कि मुख्य सड़क पर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। गर्मी और लू की वजह से दोपहर के समय लोग गर्मी और लू से बचने के लिए घरों में रहकर कई प्रकार के जतन करते हुए देखे जा सकते हैं। कोई नींबू पानी पी रहा है तो कोई फल फ्रूट जूस का कर रहा है सेवन। साथ ही मिट्टी से बने हुए देसी मटकों की बिक्री का भी चलन तेज हुआ है। पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए मिलने वाली दवाई और गर्म पानी पीकर कर रहे हैं ड्यूटी। कुल मिलाकर इस समय गर्मी और लू से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप लोग? देखिए अभी इस समय यहाँ गर्मी पड़ रही है, जबरदस्त गर्मी, तो लोग फ्रिज के साथ साथ मटकों का पानी भी पसंद करते हैं। किस प्रकार से मटके का पानी फायदेमंद रहता है और क्या रहता है? अभी जो बीमारी चल रही है उसके हिसाब से तो मटके का पानी बहुत ही अच्छा है। फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, इसका ही है मटके का ही। घरों में मटके का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, आपके घर में मटके का पानी पीते हैं सब? हाँ सब। अच्छा, पहले किस प्रकार से लोग ज़्यादा से ज़्यादा मटकों का उपयोग कर चलन था घरों में, और किस प्रकार से क्या देखने वाला था? अच्छा था, पहले ज़्यादा लोग मटके का ही पानी पीते थे, अभी भी ज़्यादा मटके का अच्छा था। अच्छा रहता है मटके का पानी पीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।